अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मायरा बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्ट्रीट टाइम्स। जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रीट टाइम्स आपको बहुत ही मज़ेदार सी जगहों पे लेके जाता है, कभी तफरीहात की तो कभी इंफॉर्मेशन की जगहों पे। इसी तरह से आजकल आप जानते हैं कि दो दिन से हम लोग यहाँ शो में आ रहे हैं, राउंड वन दिखाया आपको, राउंड टू दिखाया कुकिंग मास्टर का। कुकिंग मास्टर को स्पॉन्सर किया है राइट सॉल्ट ने, और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि राइट सॉल्ट जो है ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कितना बेहतरीन है, आपकी सेहत को मेंटेन करता है। 60,000 से 17,000 की प्रोडक्ट्स के अंदर इसका यूजेज किया जाता है और भी बहुत सारे इसके फवायद। तो नाज़रीन देखते हैं कि आज हमारे खाने में कौन से शेफ्स मज़ेदार की चटकारा चीज़ें बनाते हैं राइट सॉल्ट के अंदर। इसके साथ साथ आपको ये बताती जाऊँ कि राइट सॉल्ट की तमाम टीम आज यहाँ मौजूद हैं। हम उन सबसे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ उनके ऑनर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे राइट सॉल्ट के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन। तो चलें अपना शो का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, तो आज है फिनाले कुकिंग मास्टर का, जो कि आप दो दिन से देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तमाम शेफ तमाम जजेस बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो देखते हैं आज इनकी मेहनत कहाँ तक पहुँची है। हमारे साथ मौजूद हैं सैम, इनसे बात करते हैं कुछ थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? मैं भी बहुत ठीक हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ आज। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हैं डेफिनेटली, तो बहुत कुछ चटकारा मज़ेदार सा बनने वाला है, तो नमकीन में क्या बनेगा? नमकीन में भी बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं और वी आर यूजिंग राइट सॉल्ट। और मैं जैसे आपने देखा है कल सेमीफाइनल था, उसमें भी हम लोगों ने जो चीज़ें बनाई थी, जो सेवरी आइटम्स थे और जो हमने टास्क दिए थे वो राइट सॉल्ट के साथ दिए थे। आज भी हमारा यही एक मिशन कह रहे हैं, जो उन्हें प्रोवाइड किया गया राइट सॉल्ट दिया गया, उसमें उनसे कहा है कि आप जो भी चीज़ बनाएं सेवरी में नमकीन में वो आप राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करें, उसके बाद हम आपको रिजल्ट बताएंगे। बनेगा क्या वो थोड़ा सरप्राइज है, वो आपको थोड़ी देर तक पता चलेगा। अच्छा जी, ओके, तो आप सब लोग भी जो है स्टे ट्यून, हम लोग जो है वो थोड़ी देर में आप लोग को बताएंगे कि क्या मज़ेदार सा बनने वाला है राइट सॉल्ट में। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे से जज आसिम, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी थोड़ी देर पहले हमने सैम से भी बात की, बड़ी एक्साइटेड है, तो मैं जानना चाहूंगी आप कितने एक्साइटेड हैं कुकिंग मास्टर के शो को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बिकॉज इतने अरसे की मेहनत है हमारी, आज फाइनली उसका जो है रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो वेरी वेल एक्साइटेड। ग्रैंड फिनाले है, आपको बहुत उम्मीदें होंगी सबसे कि आज जो है वो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स आज फिनाले के अंदर जो हैं, दे आर मिक्स होम शेफ्स भी हैं और कल्नरी स्टूडेंट्स भी हैं, एक टक्कर होने वाली ठीक ठाक किस्म की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज मेन कोर्स के अंदर चीज़ें क्या बनने वाली हैं और राइट सॉल्ट में क्या बनेगा, क्योंकि राइट सॉल्ट की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है कुकिंग मास्टर का ये शो। बिल्कुल, मेन कोर्स के अंदर क्या बन रही है तो खैर अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट एक हिंट दे देता हूँ, इट्स गोइंग टू बी समथिंग विद राइस, और राइस के साथ जब राइट सॉल्ट मिल रहा है तो राइस का फ्लेवर ही अच्छा हो जाएगा। ओह वाओ, दैट्स सो ग्रेट, तो मतलब ये सरप्राइज है हमारे लिए भी और आपके लिए, तो इन टच रहे और दिखा दे हैं कि सरप्राइज में क्या मजेदार सा राइट सॉल्ट के अंदर बनने वाला है। जी नाज़रीन, तो हम अपने जजेस से बातें करते जा रहे हैं और मजा आता जा रहा है। आज हम ग्रैंड फिनाले में मौजूद हैं दो राउंड्स के बाद, और हमारे पास पहले इससे पहले जो आसिम थी उससे पहले हमारे पास सैम थी, और अब हमारे पास हैं शैला जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कितनी खुशी हो रही है, दो दिन से थी और उससे पहले से भी काफ़ी आप लोगों ने मेहनत की है, और जो है ये आज कुकिंग मास्टर का जो ग्रैंड फिनाले है और आपके सारे स्टूडेंट्स सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैसी फीलिंग्स है इस वक्त? फीलिंग्स तो बड़ी एक्साइटमेंट है हम लोगों को भी कि अब देखें क्या होता है, आज कौन विन होता है, और मेहनत बहुत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मेहनत बहुत करी है, बहुत एक्साइटमेंट है अंदर, टास्क क्या दिया जाएगा सरप्राइज़ है, और जज्बा है, मतलब स्टूडेंट में एक अजीब सी एक कश्मकश है कि क्या हो रहा है अंदर। अब देखिए क्या क्या होता है हमारे लिए साथ, लेकिन बहरहाल बहुत मेहनत हो रही है। अच्छा, और ये बताएं कि हमारे कुकिंग मास्टर को जो है बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सर किया, इसके साथ साथ राइट सॉल्ट की तरफ से स्पॉन्सर किया गया ये शो, तो राइट सॉल्ट की शुरू से लेके अब तक इस जर्नी में क्या एक पार्ट रहा है? देखिए राइट सॉल्ट बेसिकली अच्छा सॉल्ट है। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा जी, जो कि आज यहाँ पर ग्रैंड फिनाले में आई हुई हैं एज एन गेस्ट,
ओके गेस्ट जज से हम बात करेंगे और जानेंगे बहुत मजेदार सी बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक, मजे। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज बड़ा एक्साइटेड होंगी ना, क्योंकि आज ग्रैंड फिनाले। यस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। हम लोग तो दो दिन से माशाल्लाह यहाँ पर हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कितनी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और आज हम भी बड़े एक्साइटेड हैं, हमारे व्यूअर्स भी बड़े एक्साइटेड हैं। तो ये बताएं कि आपने देखा है कि यहाँ पर जो है ये कुकिंग मास्टर का जो शो हो रहा है, इसे स्पॉन्सर किया है राइट सॉल्ट की तरफ से, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने देखी है कि किस में पक रही हैं, यहाँ पर किस चीज़ में कुकिंग की जा रही है? जी, मैं कल भी आई थी, मैंने देखा था राइट सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है और जिससे काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, मतलब जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो बड़े सेटिस्फाई हैं, मैंने देखा था। आपको एक बात क्लियर करती जाऊं, हमारे ब्रांड स्पॉन्सर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। जब आप सेवरी आइटम बनाएंगे तो हमें सिर्फ राइट सॉल्ट से सेवरी चाहिए, ठीक है? नमकीन जो बनेगा वो राइट सॉल्ट से बनेगा। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि इसी के साथ कुकिंग मास्टर शो हमारा स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे तमाम के तमाम शेफ्स जो हैं वो अपनी मेहनत के रंग लाने में लगे हुए हैं। देखते हैं कि इनमें से कौन विनर होगा और ये वही लोग हैं जो कल दोबारा से इनको चांस दिया गया है जजेस की तरफ से। और साथ ही साथ आपको ये बताती जाऊँ कि ये लोग आज खाने में जो मज़ेदार सी कोई डिश बनाने वाले हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का। अगर आप भी अपनी बेहतर ज़िंदगी और हेल्दी ज़िंदगी वेल्दी ज़िंदगी चाहते हैं तो आप भी राइट सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए और बन जाइए हेल्दी एंड वेल्दी। तमाम कंटेस्टेंट मौजूद हैं, खड़े हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अब इनके बनाए हुए मज़ेदार सैंडविचेस राइट सॉल्ट में तैयार हुए हुए क्या रिजल्ट देते हैं। तो देखते हैं क्या इनके उसके कंटेस्टेंट्स का क्या रिजल्ट आता है, कौन विनर होता है। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ कंटेस्टेंट मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही डिलिशियस की एक सैंडविच की डिश बनाई है, तो इनसे जानते हैं कि क्या रिव्यूज़ मिले हैं जजेस से राइट सॉल्ट के अंदर बने हुए खाने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राव गनी। राव गनी, क्या बनाया आप? मैंने आज क्लब चीज़ सैंडविच विद कॉल्सलो बनाया। अच्छा, कॉल्सलो और क्लब सैंडविच, ये मुझे बताएं कि इसके अंदर आपने किस सॉल्ट का यूज़ किया? मैंने इसमें राइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। राइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है, तो क्या रिव्यूज़ मिले आपको जजेस से? जजेस से मुझे इस बार बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, मैंने बोला आपकी डिश बहुत अच्छी है इस बार। ओके, वाओ, दैट्स सो ग्रेट, चलें बेस्ट ऑफ लक फॉर अस। जी नाज़रीन, एक और कंटेस्टेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे तो आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन कल आपने मेरी एक्सपेक्टेशन ख़राब कर दी, लेकिन आज आपको फिर से मौका मिला था और मुझे पता है कि आज ये सारी टीम को मौका जो मिला है, इन्होंने राइट सॉल्ट में बड़े मज़ेदार सी चीज़ें बनाई होंगी, तो आपने क्या बनाया था आज? मेरे थे क्लब सैंडविच था, बेसिक बॉइल्ड चिकन थी और पेपर सीजनिंग मैंने राइट सॉल्ट से की थी और जो फ्लेवर आता है वो तो अच्छा होता है मतलब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या जजेस से रिव्यूज़ मिले, राइट सॉल्ट आपने उसके अंदर यूज़ किया था तो उन्होंने क्या आपको जो है वो कमेंट्स दिए इसके हवाले से? जजेस ने कहा है कि अच्छा है बट स्टिल के थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर अस, देखते हैं कि क्या होता है राइट सॉल्ट से किया हुआ स्पॉन्सर ये कुकिंग मास्टर के शो में, कौन जीतता है विनिंग प्राइज। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब खाना चखने वाले हैं, अब खाना चख लिया है और जी नाज़रीन, तो हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट मौजूद हैं, जानते हैं कि इनको कैसे रिव्यूज़ मिले हैं आपस से राइट सॉल्ट में बने हुए सैंडविचेस खाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम फरा सरीम। नहीं नहीं, वो आप इतना शौक ले हो, मैं तो व्यूअर्स के लिए पूछ रही हूँ, मुझे तो याद है लेकिन बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं ना इसलिए पूछना पड़ता है। राइट सॉल्ट में बने हुए आज आपने मज़ेदार से क्या बनाए हैं हमारे व्यूअर्स को बताएं। आज मैंने बनाया है क्लब सैंडविच, सिंपल क्लब सैंडविच है। वेल, जो रिव्यूज़ मिले हैं जजेस को बहुत अच्छे मिले, कि टेस्ट बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, नाइसली वो असेंबल हुए हुए हैं, गिर नहीं रहे, एंड होप फॉर द बेस्ट, देखते क्या होता है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर अस, देखते हैं कि राइट सॉल्ट में बना हुआ आपके लिए कितना राइट होता है, कितना राइट होता है वाकई। थैंक यू। ये हैं वो तमाम कंटेस्टेंट जजेस के साथ जो बहुत ही दुखी होकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इन सारे कंटेस्टेंट्स में से जो है वो कोई कंटेस्टेंट ऐसा नहीं जीत पाया,
कुकिंग मास्टर का ये शो और ये वापस जा रहे हैं, देखते हैं कि कितने दुखी हैं ये लोग इनसे थोड़ी सी गपशप लगाकर, और देखते हैं कि आज ये कुकिंग मास्टर का शो जो कि राइट सॉल्ट की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, ये कौन जीतता है। जी नाज़रीन, तो मैंने आपको दिखाया कि तमाम कंटेस्टेंट रुस्वा के वहाँ से चलेगा क्योंकि वो नहीं जीते, लेकिन उन तमाम लोगों में से ये सिर्फ विनर नहीं है, ये अभी फाइनल में पहुंचे हैं। तो देखते हैं कि फाइनल में पहुंच के कौन सी तबाही मचाते हैं और विनर के लेवल पर आते हैं या नहीं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने राइट सॉल्ट के अंदर बनाया हुआ सैंडविच जजेस को खिला के खुश किया है कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके कंटेस्टेंट जीत गए हैं सेकेंड राउंड में। दोबारा आए आप लोग और आप लोग को ये मौका मिला, इट्स वेरी बिग थिंग ना। थैंक यू मैम। अच्छा तो मुझे बताया आपने इसको सैंडविचेस को किस सॉल्ट के अंदर बनाया। मैंने इसमें राइट सॉल्ट डाला था। राइट सॉल्ट का यूजेज क्यों किया? क्योंकि राइट इज ऑलवेज राइट। अच्छा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं वैसे। चलें, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी आप फिनाले के अंदर भी राइट सॉल्ट के अंदर मज़ेदार सी चीज़ें बनाएंगे और विन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं कि क्राउन क्यू के अंदर कुकिंग मास्टर के शो का आज ग्रैंड फिनाले है और ग्रैंड फिनाले में ये तमाम शेफ यहाँ पे मौजूद हैं और सबके सब जो है राइट सॉल्ट के अंदर नमकीन बना रहे हैं और इसी के साथ साथ मज़ेदार मज़ेदार के खानों में देखते हैं कि कौन जीतेगा ये कॉन्टेस्ट। और अब ग्रैंड फिनाले तो शुरू हो गया है, हमने आपको एक ओवरव्यू दिखाना है और उसमें आपने देखना है कि कौन 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 सी डिशेज़ बना रहा है। बिरयानी बन रही है और उसमें भी हमारे राइट सॉल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। राइट सॉल्ट की फ़वाद तो आप जानते ही हैं कि बीपी के लिए कितना बेहतरीन है और इसके साथ साथ और भी बहुत चीजों के लिए बेस्ट है। ये आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, आप हेल्दी और वेल्दी रहते हो। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि फाइनल राउंड हमारा स्टार्ट हो गया है, ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए हैं कुकिंग एक्सपर्ट के जिसे स्पॉन्सर किया है राइट सॉल्ट की तरफ से और सक्राल की तरफ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी खाने बन रहे हैं वो बन रहे हैं राइट सॉल्ट के अंदर। देखते हैं कि मज़ेदार से खाने क्या रंग लेकर आते हैं, जजेस को पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते, कौन जीतता है कौन हारता है। और इसी के साथ साथ हम आपको सबका एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सारे कंटेस्टेंट किस तरह से लगन से यहाँ पर सारा काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, तो अब हमारे साथ हैं मोहसिन और मोहसिन कुछ मज़ेदार सा बना रहे हैं और मज़ेदार की मुझे खुशबू भी आ रही है, तो इसके अंदर क्या बना है ज़रा जानते हैं मोहसिन से। हेलो मोहसिन, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ बिरयानी, चिकन बिरयानी। बिरयानी चिकन फ्यूजन स्टाइल? यस फ्यूजन। कौन सा नमक का इस्तेमाल किया? मैं राइट सॉल्ट मैंने यूज़ किया। राइट सॉल्ट, क्या नाम है आपका? अहमतुल्ला। अहमतुल्ला, इतना प्यारा सा नाम है। देखिए इसी तरह से कुछ प्यारा सा मज़ेदार सा बना। आप अपना काम करती रहो, आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, जस्ट आस्किंग यू समथिंग। तो अभी आपका कितना काम कम्प्लीट हो चुका है? आई हैव डन दिस बिरयानी। इसमें कौन सा नमक यूज़ किया है? राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट, ओके। यहाँ पे इन्होंने चावल को भिगो दिया है, देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो राइस बन रहे हैं, कुछ बिरयानी टाइप समथिंग फ्यूजन डिफरेंट। और इसके अंदर जो है सॉल्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो राइट सॉल्ट है। जी नाज़रीन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेफ्स किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और फिनाले की बड़ी ज़ोरों शोर से तैयारियाँ चली रही हैं और यहाँ पे बन रहा है कुछ फ्यूजन सा मज़ेदार सा। तो देखते हैं कि क्या नाम है आपका? राव। राव जी, क्या बना रहे हैं? राव क्या बना रहे हैं आप? अभी मेरी एक डिश कम्प्लीट हो चुकी है, मैं फ्यूजन बिरयानी बना रहा हूँ। बिरयानी बनानी है और फ्यूजन तरीके से, मतलब उसकी सर्विंग ऐसी करनी है कि ना। अच्छा, इसके अंदर सॉल्ट कौन सा इस्तेमाल? मैंने इसमें राइट सॉल्ट इस्तेमाल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या बना रही हैं? मैं बिरयानी बना रही हूँ। वाह, दैट्स समथिंग डिफरेंट, इतने बिल्कुल ही मज़ेदार और कुछ नई चीज़। बिल्कुल, जब जीत के जाना है इंशाल्लाह ताला। ओके, तो अल्लाह ताला वहाँ भी पहुँचाएगा इंशाल्लाह। वैसे मुझे खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है, इसके अंदर नमक कौन सा इस्तेमाल किया? राइट सॉल्ट ऐड किया है हमने। जी नाज़रीन, तो अभी हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट मौजूद है और यहाँ से भी बड़े मज़ेदार से खुशबू आई है। कॉम्पिटिशन बड़ा टफ है, राइट सॉल्ट का सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं कि राइट सॉल्ट के अंदर सबसे राइट डिश कौन बनाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, क्या बना रहे हैं हम? आज मैं बना रहा हूँ खजूर की खीर और समथिंग फ्यूजन बिरयानी जिसमें मैंने राइट सॉल्ट यूज़ किया। इसके साथ साथ आप देखते जाएं कि यहाँ पर किस तरह से तमाम शेफ्स लगन से काम कर रहे हैं और तमाम चीज़ों के साथ लगे हुए हैं और देखते हैं कि इनका इस खाने बनाने की मेहनत का आखिर रंग क्या आता है। क्या बना रहे हैं?
मैं बना रहा हूँ पैन सीयर चिकन बना रहा हूँ बिरयानी के मसालों में, इसको कॉन्टिनेंटल स्टाइल में बना रहा हूँ मैं, इसके साथ ग्रेवी मैं अलग सॉस की तरह बनाऊंगा क्रीम के साथ। क्या बना रहे हैं आज आप? आज मैं क्या नाम है गार्लिक चिकन बना रहा हूँ और साथ उसके गार्लिक राइस है। हम आपसे बहुत एक्सपेक्ट करें कि आपने बड़ा अच्छा कुछ टेस्ट देना है, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड, है ना आपा? अब शादी हो रही है तो इसको दूल्हा को देना है ना ये। ओहो, शादी हो रही है, वाह, तभी सीखा जा रहा है ये, देखिए। जी गाइस, तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर आसिम के साथ। आसिम और मैं राउंड लगा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा कंपटीशन चल रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट हमने इनको पूरे 90 मिनट्स दिए थे, जिसके अंदर से 1 आवर ख़त्म हो चुका है, आखिर का आधा घंटा बाकी है। और हमने इनको 4 टास्क दिए थे। एक हमने इनको राइस प्लेटर दिया था थ्रू जजा राइस। अच्छा, फिर एक इनके पास एक शाही टुकड़े थे। तो यहाँ हम देखें कि ऑलमोस्ट चीज़ें हो चुकी हैं और इन सब चीज़ों के अंदर जो है ऑब्वियसली बात है सेवरी है, स्वीट है, तो सुकराल और राइट सॉल्ट भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हैं। हाफ एन आवर है, प्लेटिंग के ऊपर बहुत डिपेंड होगा, बिकॉज मी बींग एज अ फूड स्टाइलिस्ट एंड ना ही दापा के साथ, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। आपके पास सिर्फ आखिरी 2 मिनट रह गए हैं, पूरी राइस की प्लेट सजी हुई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने क्या करना है, जितना सेवरी या नमकीन आइटम है वो किस में बनाना है, राइट सॉल्ट में। जी, तो मोहसिन जो है वो रेडी हैं अभी जाने के लिए और वेट कर रहे हैं आपा के पास जाने का। और आ गए हैं ये, तो हमारे शेफ जो हैं वो इसको टेस्ट करके बताएंगे कि इसके अंदर नमक और तीखा कितना परफेक्ट है, जो कि राइट सॉल्ट के अंदर तयार हुआ है। और अब जो है वो नई दापा खाने को टेस्ट कर रही हैं। तब यहाँ पर सैम जो है वो मीठे को चेक करके बता रही हैं, क्योंकि वो मीठा एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ साथ अब जो है वो राजा शेफ़ हैं वो चेक कर रहे हैं, शहला शेफ़ हैं अब उनकी तरफ आते हैं, वो चेक कर रही हैं। तो यहाँ पे तमाम शेफ जो है वो इनका खाना चेक कर रहे हैं और अपने व्यूज दे रहे हैं। जी मोहसिन, तो कैसे तासुरात हैं आपके, कैसे कमेंट्स मिले आपको? बस कमेंट तो अच्छे मिले हैं, आगे देखते हैं होता है क्या है। अच्छा, आपने नमकीन जो बनाया था वो किस सॉल्ट के अंदर बनाया? मैंने राइट सॉल्ट यूज किया। क्या बनाया? मैंने चिकन जो है वो सौर बिरयानी बनाई थी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये प्रेजेंटेशन जा रही है अहमदुल्ला की। ये अहमदुल्ला की प्रेजेंटेशन है। और ये इसमें जो मीठा बना हुआ है वो बना हुआ है सुकराल में, और जो नमकीन बना हुआ है वो बना है राइट सॉल्ट में। जो है वो इस वक्त बिरयानी चख रही हैं और राइट सॉल्ट के अंदर तैयार हुई हुई है। देखते हैं कि कैसा टेस्ट है, बताती हैं अहमदुल्ला की प्रेजेंटेशन इनको कैसी लगी और कैसा लगा इनका टेस्ट। और साथ ही साथ राजा भी, शेफ राजा भी इसको चख रहे हैं और बता रहे हैं कि राइट सॉल्ट में बनी हुई बिरयानी कैसी है। और साथ ही साथ हमारी नाही दापा हैं, ये भी चख के बताएंगी कि बिरयानी राइट सॉल्ट में तैयार हुई हुई है कैसी बनी है। जी नाजी, तो ये हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं जिनका अभी यहाँ पे फूड रेडी है, लेकिन हम इनसे आने के बाद पूछेंगे कि इनके क्या कमेंट्स हैं। अभी हम इनसे बात करते हैं। जी, आपके क्या हाल हैं, कैसी फीलिंग्स हो रही हैं अभी? आई एम वेरी नर्वस एट द मोमेंट बिकॉज रिजल्ट्स अनाउंस होने में टाइम लगेगा, सो आई एम बेसिकली अब वेट नहीं होगा रिजल्ट के लिए। ये सारे बच्चे मेरे पास बचपन से क्लासेस ले रहे हैं, तो ये जितनी क्रिएटिविटी आप देख रहे हैं ये शेफ सलमा की वजह से, और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ऐसा रिस्पांस मिलेगा। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी, चाहे वो छोटी सी अहमदुल्ला है, चाहे मोहसिन है, चाहे सेम शुएब की डिश मेरे हाथ में है, दे आर डूइंग रियली गुड। सब ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और ये सब के सब अपने अपने किचन के स्टार हैं, वाकई इसमें कोई शक नहीं। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब खाना चखने वाले हैं, अब खाना चख लिया है और अब जो है वो नाही दापा खाने को टेस्ट कर रही हैं। और बिरयानी आपने जो बनाई है ये भी बहुत मज़े की बनाई है, फ्यूजन गरम मसाला चिकन पुलाव बनाया, इसके अंदर नमक कौन? राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट विच इज़ ऑलवेज राइट। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, और राइट सॉल्ट और सुकराल का डाला हुआ इनका खाना क्या मज़ेदार बनता है।
जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो सारा ही खाना जो कि बना था हमारे राइट सॉल्ट में बिल्कुल ही सफ़र चट्टा हो गया है। जजेस ने बिल्कुल ही इसको फिनिश कर दिया। अब इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसे कमेंट्स मिले राइट सॉल्ट में बने हुए मज़ेदार से खाने के। जी मुझे ये कमेंट्स तो बहुत अच्छे मिले थे और देख सकते हैं जैसे कि आप कुछ भी नहीं छोड़ा जजेस ने। आपने खाना बनाया क्या, ये तो बताएं। मैंने बिरयानी बनाई थी, उसकी प्लेटिंग फ्यूजन स्टाइल में की थी। मैंने खजूर की खीर बनाई थी, मैंने स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट मूस बनाया था और मैंने शाही टुकड़े बनाए थे फ्यूजन में। अच्छा, तो आपने जो ये नमकीन बनाया था इसके अंदर सॉल्ट कौन? मैंने इसमें राइट सॉल्ट इस्तेमाल किया था। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार सी प्रेजेंटेशन के साथ, कुछ मज़ेदार सी खुशबुओं के साथ यहाँ पे तैयार किया है। अब देखेंगे कि इन्होंने क्या तैयार किया है और क्या रिजल्ट आता है। नमकीन में बना है इनका कुछ मज़ेदार सा लेमन सिलेंड्रो राइस है और ये तमाम नमकीन जो बना है ये बना है राइट सॉल्ट में। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है शेफ बिलाल। वैसे तो आपने इनको आगे पीछे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है कुकिंग मास्टर में, जो कि स्पॉन्सर किया गया है सुक्राल और राइट सॉल्ट की तरफ से। तो इससे रिलेटेड इनसे पूछते हैं कि आज इन्होंने राइट सॉल्ट के अंदर बनाया था क्या ऐसा मज़ेदार जिसके इनको मज़ेदार से कमेंट्स मिले हैं। जी क्या बनाया आज? मैंने क्या नाम है, गार्लिक राइस बनाया है और साथ इसमें गार्लिक और चिली चिकन बनाई है। अच्छा, और इसके अंदर आपने सॉल्ट का कौन सा इस्तेमाल? राइट सॉल्ट इसमें यूज़ हुआ है। कमेंट्स कैसे मिले? कमेंट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं टेस्ट वाइज, प्लेटिंग वाइज। रिजल्ट क्या आता है? जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया और इन्होंने यहाँ पे नमकीन के अंदर बिरयानी बनाई है, मीठे के अंदर भी बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। पहले हम नमकीन के बारे में जानेंगे, इसमें जो है इन्होंने राइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। जी राइट सॉल्ट, मुझे ये बताएं। इट्स द बेस्ट आई थिंक। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी यहाँ पर अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, आप मुझे बताएंगे कैसे कमेंट्स मिले आपको जजेस से आपकी नमकीन बिरयानी जिसमें हमने राइट सॉल्ट का इस्तेमाल? अभी तो कमेंट्स अच्छे में, थोड़े मिक्स्ड हैं क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन था। देखते हैं अभी, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक है, फाइनल है तो काफ़ी टफ था, अभी ये देखते हैं कौन जीतता है। जी नाज़रीन, तो एक और कंटेस्टेंट मौजूद हैं, लास्ट कंटेस्टेंट हैं। अभी हम सबके रिव्यूज़ ले चुके हैं, अब इनके रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बनाया था आज? आज बिरयानी बनाई थी, दम बिरयानी थी। और दम बिरयानी में सॉल्ट कौन सा डाला था? राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट। जी हाँ नाज़रीन, तो मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह मेरा शो आपको आज भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में आपकी इजाफा हुआ होगा और बहुत इन्जॉय किया होगा, क्योंकि दो दिन से आप यकीनन कुकिंग एक्सपर्ट का वेट ही कर रहे होंगे कि कौन यहाँ पे विनिंग प्राइज जीतने वाला है राइट सॉल्ट की तरफ से। और इसी के साथ साथ आज आपने देखा कि राइट सॉल्ट की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी और हमने आपको यहाँ पर पूरा ओवरव्यू दिया कि किस तरह से यहाँ पर राइट सॉल्ट वालों के पैकेजेस लगे हुए थे। यहाँ पर उन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स दिए सारे जजेस को, यहाँ पर विनिंग प्राइज हुई है और विनिंग प्राइज भी हमारे राइट सॉल्ट की तरफ से दिया गया है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि कुकिंग शो जो यहाँ पर हो रहा था कुकिंग मास्टर, उसको स्पॉन्सर किया था राइट सॉल्ट वालों ने और राइट सॉल्ट की आज टीम ने आकर यहाँ पर उनको विनिंग प्राइजेस भी दिए और साथ में गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए हैं जो कि हम आपको दिखा चुके हैं। शो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई और आपने देखा कि शो में जितनी भी चीज़ें कुक हुई वो सारी की सारी राइट सॉल्ट में बनी है और राइट सॉल्ट आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन सॉल्ट है। अगर आप ही राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दीजिए। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि हमारे तीन विनर्स हुए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और तीनों को कैश प्राइज दिया गया है राइट सॉल्ट की तरफ से। तो नाज़रीन, इसी के साथ मेरे शो का इख्तिताम होता है। मुझे दीजिए इजाजत अपनी होस्ट मायरा बलोच और स्ट्रीट टाइम्स को, और अपना प्यार इसी तरह से हमारे इनबॉक्स में कमेंट्स के जरिए दिखाते रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।